दोस्तों आपका स्वागत है दाबा टेक चैनल पर। चशु कहते हैं आज की वीडियो पोको एस टू की फुल डिटेल फुल स्पेसिफिकेशन। आपको उसमें फ्रंट की तरफ दो पंच होल नॉच देखने को मिल सकता है और उसकी स्क्रीन में आपको फिंगरप्रिंट देखने को मिल सकता है और बैक की तरफ आपको क्वाड कैमरा देखने को मिल सकता है। उसमें आपको 64 मेगापिक्सल का और एक प्लस 2 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल ऐसा कैमरा देखने को मिल सकता है। साथ ही आपको फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने को मिल सकता है। फ्रंट कैमरा देखने को मिल सकता है, उसमें 730 का प्रोसेसर लगाया गया है और उसका जो बेंच मार्क है वो रिलीज हो चुका है। उसमें आपको सिंगल कोर में 549 देखने को मिल सकता है और डबल को मल्टी कोर में आपको 17071 देखने को मिल सकता है। उसमें आपको एंड्रॉयड 10 देखने को मिल सकता है और भी अपग्रेडेड वर्जन देखने को मिल सकते हैं साथ में। और उसका जो मॉडल नंबर रहेगा पोको X2 नाम से रखा जाएगा और उसका जो ऐसा कहा जा रहा है कि वो रीब्रांड रहेगा पोको मतलब रेडमी K30 का। और उसमें आपको कॉलकम का प्रोसेसर देखने को मिल सकता है और बहुत बेहतरीन स्पेसिफिकेशन के साथ आने वाला है पोको। और 4 फेब को इंडिया में लॉन्च होने वाला है और उसमें आपको 27 वाट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी दिया गया है। और साथ ही आपको उसमें आपको 120 GHz का रिफ्रेश रेट देखने को मिल सकता है और बहुत बेहतरीन प्राइस के साथ रिलीज हो सकता है। ऐसा कहा जा रहा है कि वो मिड रेंज फ़ोन रहेगा, 15 और 20 के बीच में वो फ़ोन निकलेगा। थैंक यू, वीडियो इसलिए शेयर करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।